आइए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। तो पंचायतों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस बार शैक्षणिक योग्यता की शर्त भी हट गई है और संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है और इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 17 जनवरी 2020 को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 22 जनवरी और तीसरे चरण की वोटिंग 29 जनवरी को होगी। तो 18, 23 और 30 जनवरी को उप सरपंच के चुनाव होंगे और इस बार 343 पंचायत समितियों और 11,142 पंचायतों में चुनाव होंगे। इसमें 48 पंचायत समितियां और 1,257 नई पंचायतें शामिल हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया लेकिन इस बार शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटा दी गई है और संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता भी इसी के साथ लागू हो गई है। सभी तैयारी हो रही है, कांग्रेस पूरी तैयार है लड़ने के लिए, चुनाव जीत के आएंगे हम लोग, पूरी उम्मीद है। निकाय चुनाव के बाद किस तरह के परिणाम आने की संभावना? निकाय में भी अच्छे आए थे, पंचायत में भी अच्छे आएंगे। जनता जानती है कि जो हमने वादे किए हैं, हमारी जनता की आशाएं अपेक्षाएं हैं वो पूरी करने के लिए हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं। हमें यकीन है कि हम लोग उसे कामयाब होंगे। मतदान की तिथि एवं समय 17 जनवरी 2020 शुक्रवार प्रातः 8 बजे से साय 5 बजे तक। सत्रह जनवरी 2020 शुक्रवार प्रातः 8 बजे से साय 5 बजे तक मतगणना होगी। पंचायत जो पंचायत मुख्यालय पर होगी। 17 तारीख को शुक्रवार को ही 17 जनवरी को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात और उप सरपंच का चुनाव होगा 18 जनवरी 2020 शनिवार। यह है प्रथम चरण का कार्यक्रम। करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इसको लेकर संकेत दे दिए थे कि दिसंबर के आखिर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू। देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहूँगा कि एक जो शुरुआत में जो 343 पंचायत समिति और 11,142 पंचायतों के पुनर्गठन की बात सामने आई थी, लेकिन जो आज जो तारीखों का ऐलान जो हुआ है उसमें 9,171 जो पंचायतें हैं उन्हीं में चुनाव होना है और साथ में ही 90,400 वार्डों में वार्ड पंच का चुनाव होना है। तो ये एक अहम बात है और इसके पीछे कई कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने गिनाए हैं कि एक तो जो उन्हें जो मतदाता जो पूरी सूची मिली परिसीमन के बाद जो अधिसूचनाएं जारी हुई उन विभिन्न अधिसूचनाओं को देरी से जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया और राज्य निर्वाचन आयोग के एक्सरसाइज इस बीच चल रही थी तो जो मतदाता सूची है उसमें भी वापस से उसको संशोधित करना पड़ा। साथ ही जो इस नए परिसीमन से जो प्रभावित हो रहे थे वार्ड उन वार्डों का भी जिला परिषद की वार्ड और जो पंचायत समिति के वार्ड हैं उनमें चेंजेस हुए और उसके बाद भी जो दिसंबर तक ये अधिसूचनाएं जारी होती रही जिसको बाद में फिर हाई कोर्ट ने अपास्त भी कर दिया। तो जो मानी गई थी जो 15-16 नवंबर की जो अधिसूचनाएं जारी हुई थी वही मानी गई थी और इसके बाद जो अप्रभावित रहीं जो पंचायत समितियां या जो पंचायतें हैं तो उन्हीं में ये चुनाव पंचायतों में कराए गए। पंचायत समितियों के चुनाव इसलिए अभी नहीं कराए जा रहे हैं इसमें कि ये बताया जा रहा है कि उसमें कई तरह की तकनीकी त्रुटियां हैं, तकनीकी चेंजेस जो होने हैं उसकी वजह से ये चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं अभी और बहुत संभावना है कि जनवरी अंत तक इसकी घोषणा हो जाए और साथ ही यह भी एक संभावना है कि जिला परिषद के चुनाव भी इसके साथ में हों क्योंकि जो वार्डों का जो पुनर्गठन हुआ जो अभी नए परिसीमन जो हुए हैं उसके तहत ये वार्डों का पुनर्गठन होना है और जो अभी पंचायतें बनी हैं इसमें भी जो मतदाता सूची है वो अंतिम मतदाता सूची 3 जनवरी को जारी होगी। तो इस तमाम
कारणों से चूंकि समय पर पंचायत चुनाव कराना लक्ष्य था राज्य निर्वाचन आयोग का, इसलिए ये कार्यक्रम जारी करना पड़ा। अहम बदलाव भी किया गया है, शैक्षणिक योग्यता की जो शर्त थी वो भी हटा दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की शर्त पहले ही चूंकि हटा दी गई थी और फरवरी के आसपास इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी, तो इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं था। जो कन्फ्यूजन मुख्यतः जो था वो इस बात को लेकर था कि तीसरी संतान को लेकर बाध्यता हटाई जाए या नहीं हटाई जाए। तो अभी तक जो प्रावधान किए गए हैं उसी प्रावधानों के तहत ये चुनाव होंगे, यानी जो बाध्यता है वो रहेगी और तीसरी संतान की बाध्यता के साथ ये चुनाव होंगे। जो मोटे तौर पर अभी जो बूथ्स हैं जिसमें बाद में चेंजेस भी हो सकते हैं वो 34,525 हैं और 3,08,00,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मतदान का मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो यह मोटे रूप से बात सामने आ रही है। बाकी जो दिव्यांग जन के लिए जो सुविधा जो म्युनिसिपल चुनाव में दी गई थी वो सुविधा जारी रहेगी और जो एपिक के अलावा अन्य जो दस्तावेज हैं 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त मतदाता जो दस्तावेज हैं वे मान्य होंगे मतदान के लिए। पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 3 चरणों में चुनाव होंगे और 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और इसके बाद यही सिलसिला 2 चरणों में और भी बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज शर्मा हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और